नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मुंबई में भारी तूफान और आंधी की वजह से सोमवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बीते रात मुंबई के घाटकोपुर इलाके के रेलवे पेट्रोल पंप पर एक विशाल होर्डिंग गिर गया, जिसकी वजह से नीचे खड़े बड़ी संख्या में लोग दब गए। वही होर्डिंग के नीचे फंसने से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मुंबई में बेमौसम बारिश और तेज तूफान अपने साथ मातम लेकर आया है। दरअसल बीते दिन सोमवार को मुंबई के घाटकोपुर इलाके में तेज आंधी के कारण लोहे का एक बड़ा सा होर्डिंग नीचे आ गिरा, जिसके बाद नीचे खड़े कई लोग होर्डिंग के नीचे आ गए। ताजा खबर अनुसार अब तक तकरीबन 14 लोगों की मौत हो गई है, वही 70 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वही घटना स्थल पर मौजूद राज्य के मुखिया एकनाथ शिंदे ने घटनाक्रम पर हाई लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं। घाटकोपुर की दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोकाकुल परिवारों के लिए संवेदना जताई। उन्होंने लिखा कि घाटकोपुर में होर्डिंग ढहने से अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वही देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भी पूरे घटनाक्रम पर संवेदना जताई है। खबर अनुसार हादसा स्थल का निरीक्षण करने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत के दौरान उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। शिंदे ने बताया कि होर्डिंग लगने वाली एगो कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई में लगा इस होर्डिंग को बीएमसी द्वारा अवैध बताया गया है। महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गर्ग अनुसार बीएमसी की ओर से इस होर्डिंग को लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे punjabkesari.com। नमस्कार।